चलिए इस वीडियो में हम कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 15 एंड 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे जो इनके वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशियंट्स सेम नहीं हैं। तो अगर मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि जैसे अगर मैं इनमें से कोई भी इक्वेशन ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 5x माइनस 10y इक्वल टू 15 और इसमें से मैं दूसरे इक्वेशन को घटाने की कोशिश करूँ, यानी कि इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर 3x माइनस 2y, और सेम चीज़ मुझे राइट हैंड साइड पे भी करनी पड़ेगी, इधर से भी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 3x माइनस 2y, लेकिन चूंकि 3x माइनस 2y की वैल्यू 3 दे रखी है तो मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, जो कि एक्चुअली क्या है कि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में से ये लेफ्ट हैंड साइड घटा रहा हूँ और इस राइट हैंड साइड में से ये राइट हैंड साइड घटा रहा हूँ। लेकिन जो रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिलेगा वो एक्चुअली मुझे आगे कहीं लेके नहीं जाएगा, क्योंकि 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, नेगेटिव 10y, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2y यानी कि पॉजिटिव 2y हो जाएगा, और नेगेटिव 10y प्लस 2y मुझे नेगेटिव 8y दे देंगे, और इधर आ जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो अभी भी मेरे पास जो इक्वेशन आया उसमें तो x और y दोनों हैं, तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं। उसी तरीके से शायद अगर आप ये सोचें कि मैं सब्ट्रैक्ट करने के बजाय इनको ऐड कर दूं, तो भी मेरे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें x और y दोनों होंगे, तो भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मतलब क्या कि हमें यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा कुछ तिगड़म, थोड़ा सा कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस एलिमिनेशन मेथड को यहाँ लगा पाएंगे। तो अब हमारा एम यहाँ है कि हम x और y में से कुछ ऐसा करें इन दोनों इक्वेशंस के साथ कि एक वेरिएबल गायब हो जाए। अब इनमें से आप कोई भी वेरिएबल चुन सकते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि चलिए मुझे इस y को यहाँ से गायब करना है, वेरिएबल y को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले इक्वेशन में जो y का कोफिशियंट है वो है नेगेटिव 10 और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशियंट है नेगेटिव 2। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूं तो मेरे ये y वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाए। तो वो करने के लिए अगर मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव 10y है तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव 10y बनाना पड़ेगा, तब जाके अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो नेगेटिव 10y और पॉजिटिव 10y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं नेगेटिव 2 को पॉजिटिव 10 कैसे बना सकता हूँ, तो वो करने के लिए अगर मैं नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नेगेटिव 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरे इक्वेशन को, तब जाके यहाँ पे पॉजिटिव 10y आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ एक टर्म को तो नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम इक्वेशन को तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि मेरे इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, हम पूरे इक्वेशन में नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव 5 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे यहाँ पे दे देगा नेगेटिव 15x, नेगेटिव 5 जब नेगेटिव 2y से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे दे देगा पॉजिटिव 10y, और नेगेटिव 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल जाएगा नेगेटिव 15। तब ये हो गई अब मेरी पहली इक्वेशन, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन और ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि इसमें और इसमें कुछ फर्क है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस हमने इसको नेगेटिव 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सके। अब इस पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ेंगे तब ये नेगेटिव 10y और पॉजिटिव 10y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए काम करते हैं, नेगेटिव 15x, नेगेटिव 15x प्लस 10y इक्वल टू नेगेटिव 15 हमें दिया है, इसमें हम ये वाला पहला वाला इक्वेशन जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 10y, इस चीज को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो राइट हैंड साइड पे भी या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 5x माइनस 10y लिख दें, लेकिन 5x माइनस 10y तो 15 के ही बराबर है, तो अब हम इसके राइट हैंड साइड को यहाँ पे जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस 15। तो देखते हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो नेगेटिव 15x प्लस 5x, नेगेटिव 15 प्लस 5 होता है नेगेटिव 10 टाइम्स x प्लस 10y माइनस 10y, यही तो हम चाहते थे और ये हमने यहाँ पे कर दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू
नेगेटिव 15 पॉजिटिव 15 ये, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया और हमें जीरो मिल गया। तो अब अगर हम दोनों साइड नेगेटिव 10 से डिवाइड कर दें तो ये नेगेटिव 10 चला जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन नेगेटिव 10 यानी कि 0 के बराबर। यहाँ से हमें x मिल जाएगा 0 के बराबर। तो अब अगर एक बार x का वैल्यू आ गया है तो चलिए हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी इक्वेशन पकड़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम इस दूसरे वाले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं और उसमें x की वैल्यू डाल देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास है 3x, मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, मेरे पास है यहाँ पे 3x की वैल्यू है 0, तो वो मैं 0 यहाँ डाल देता हूँ, माइनस टू वाई इक्वल टू 3, 3 टाइम्स 0 यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, माइनस टू वाई तो 0 मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ सिर्फ माइनस टू वाई बचेगा, इक्वल टू 3 आ गया। अब दोनों साइड में माइनस टू से डिवाइड कर देता हूँ तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा y की वैल्यू, अब ऊपर नीचे नेगेटिव 2 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएंगे और इधर आ जाएगा नेगेटिव 3 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई 0, x हमारा 0 के बराबर है और y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और इसको अगर आप एक्चुअली कोऑर्डिनेट प्लेन में देखना चाहें तो ये एक्चुअली हमें एक पॉइंट के बारे में बता रहा है, 0, -3/2, और ये ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा जो कि इन दोनों लाइन के इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगा। आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3/2 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो जैसे ही आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी यानी कि 15 के बराबर, या फिर अगर आप इसमें रखिएगा तो वो 3 के बराबर आ जाएगी। खैर चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमें सेम चीज़ करनी है। पहली बात तो यहाँ पे है कि 5x प्लस 7y 15 के बराबर है और 7x माइनस 3y वो 5 के बराबर है, तो यहाँ भी अब कोफिशियंट सेम तो है नहीं। तो पहले हम किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे x को पकड़ लो, x वाले वेरिएबल को, और उसको गायब करने की कोशिश करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। अब यहाँ है 7 और यहाँ है 5, तो जाहिर सी बात है एक तरीका मुझे ये दिख रहा है कि मैं इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे मान लीजिए -5/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये जब 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा -5x और बाकी तो जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो +5x और -5x कैंसिल होके x का टर्म हटा देंगे, मेरे पास सिर्फ y का टर्म बचेगा और मैं सॉल्व कर लूंगा। लेकिन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम इसको थोड़ा आसान बनाते हैं और एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7, यहाँ पे दिख रहा है 5, अगर मैं दोनों का कॉमन कोई मल्टीपल उठा लूं, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूं 35, एक्चुअली चलिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही ले लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होगा पकड़ने में। तो अगर मैं इस नीचे वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 इसका कोफिशियंट है, और ऊपर वाले इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरी x की कोफिशियंट सेम आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 7 5 35x और यहाँ आ जाएगा 5 7 35x, ये तो सही बात हो गई, ऊपर भी 35x नीचे भी 35x। लेकिन आप बोलेंगे कि अब अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये तो आपस में ऐड हो जाएंगे, 35x प्लस 35x 70x दे देंगे, तो क्यों ना हम इनको ऐड करने के बजाय इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, वो भी कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट है कि हमको कैसे भी वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है, अब वो आप जैसे भी कर लें। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें देखते हैं कि क्या इक्वेशन हमें यहाँ मिल रही है। तो ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 7 times 5x हो जाएगा मेरा 35x, 7 times 7y हो जाएगा 49y, 7 times 15 देखते हैं कितना होता है, तो 7 5 35 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 और 3 105, और ये जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे, ये दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी 5 7 35x, 5 times -3y यानी कि -15y और 5 times 5 यानी कि 25 के बराबर। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 35x प्लस 49y में से 35x माइनस 15y घटाते हैं और राइट हैंड साइड में 105 में से
25 घटा देते हैं. तो जैसे ही हम करेंगे, अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. तो 35x माइनस 35x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 49y. 49y माइनस ऑफ नेगेटिव 15y, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव 15y. तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15y इक्वल टू 105 माइनस 25, यानी कि ये हो जाएगा 80 के बराबर. अब इनको तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. 49y प्लस 15y हो जाएगा 9 और 5 14, 1 कैरी, 4 और 1 5 और 6 64y जो है 80 के बराबर आ गया. अब दोनों साइड हम 64 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 80 अपॉन 64. ऊपर नीचे अगर मैं 64 से डिवाइड कर दूं तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन 64 के बराबर. तो चलिए अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं ऊपर और नीचे 8 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 8 टेंजा 80 और 8 8 जा 64. अभी भी दोनों इवन है, तो चलिए हम दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं. तो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8. तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आ गई 5 अपॉन 4. और एक बार अब y की वैल्यू आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन को पकड़िए, वहां पे y की वैल्यू रखिए और फिर हमें फिर यहां से x की वैल्यू भी पता चल जाएगी. तो चलिए वो काम भी कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए हम पहला वाला इक्वेशन उठा लेते हैं, तो 5 टाइम्स x प्लस 7 टाइम्स y की वैल्यू हमने यहां पे रख दी 5 अपॉन 4 इक्वल टू 15. तो यहां से फिर हमें मिल जाएगा 5x, 7 5 35, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 4 इक्वल टू 15. अब दोनों साइड से मैं 35 अपॉन 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, चलिए वो देखते हैं. तो 5x आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 15 माइनस 35 बाई 4. अब अगर यहां मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां ये हो जाएगा 60 अपॉन 4. तो यहाँ अगर मैं 15 को ऊपर और नीचे में, तो यहाँ मैं 15 को लिख सकता हूँ 15 अपॉन 1, और इस 15 अपॉन 1 में मैं 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 4, ये भी हो जाएगा इंटू 4. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 60 अपॉन 4 माइनस 35 अपॉन 4. अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो 60 माइनस 35 होता है 25, और नीचे 4 आ जाएगा, और ये है हमारा 5x के बराबर. अब दोनों साइड हम एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 5, इधर भी आ जाएगा 5 और इधर भी आ जाएगा 1 अपॉन 5. अब 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि 1 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये और ये हट जाएंगे, और 5 1 5 5 5 25. तो फाइनली यहाँ से जो है हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन 4 के बराबर. तो x की वैल्यू आ गई 5 बाई 4 और y की भी वैल्यू आ गई 5 बाई 4. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा आ गया, x, y, यानी कि 5 बाई 4, 5 बाई 4. तो ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि यहाँ पे दिए हुए दोनों सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा.